हाय, मैं प्रशांत, आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप मल्टीपल कैंडलस्टिक के जरिए रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने सेम टॉपिक के ऊपर पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप सिंगल कैंडलस्टिक के जरिए रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि हमें रिवर्सल बहुत कम देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप मल्टीपल कैंडलस्टिक यानी दो या दो से ज़्यादा कैंडलस्टिक के बेसिस पे कैसे आप रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए चार्ट पे चलते हैं और इसको सीखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ICICI बैंक के डेली चार्ट पे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ICICI बैंक का डेली चार्ट है और ये आपका अक्टूबर मंथ का डेटा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं 25 अक्टूबर के आसपास। देख सकते हैं ये आपका डेली कैंडलस्टिक है। ये भी आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो चार्ट है वो आपका डेली चार्ट है। डेली चार्ट के बेसिस पे हम रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मल्टीपल कैंडलस्टिक के जरिए वो समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये कैंडलस्टिक दिख रहा है ग्रीन कलर का, ठीक है। मैं इस कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूँ जो आपको एकदम कॉर्नर में दिख रहा है। ये कैंडलस्टिक से आपको क्या हिंट और इंडिकेशंस मिल रहा है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे बायर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि स्ट्रांग ग्रीन कैंडल का बॉडी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ पे एक और चीज़ हो रहा, आपका रिजेक्शन फ्रॉम टॉप भी देखने को मिल रहा है एट द सेम टाइम। बायर स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा ग्रीन बॉडी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ऊपर में आपको अच्छा खासा टेल भी देखने को मिलेगा। ऊपर में टेल देखने का मतलब क्या है कि रिजेक्शन फ्रॉम द टॉप देखने को मिल रहा, मतलब किसी एक पार्टिकुलर लेवल के बाद वहाँ पे सेलर्स हावी दिख रहे हैं, उसके बाद बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। वो लेवल कौन सा है, सबसे पहले यहाँ पे हम मार्क करते हैं 840 का लेवल। 840 के लेवल के ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कौन हावी दिखेंगे, यहाँ पे आपको सेलर्स हावी दिख रहे हैं, और इसके नीचे जैसे ही हम आते हैं यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, लेवल का गेम हो रहा है। एक पार्टिकुलर लेवल के ऊपर बायर इंटरेस्टेड नहीं है और एक पार्टिकुलर लेवल के नीचे बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सेलर्स को एंट्री करने नहीं दे रहे। तो ये कैंडलस्टिक हमें उतना कोई इंडिकेशंस नहीं दे रहा है जिसके बेसिस पे हम ये पता कर पाए कि हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाना, यानी सेलर्स के साथ जाना या फिर बायर्स के साथ जाना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अगले कैंडलस्टिक को फॉर्म होने देते हैं, देखते हैं कि अगला कैंडलस्टिक यहाँ पे कैसा फॉर्म किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडलस्टिक को देखिए, नेक्स्ट कैंडलस्टिक कैसा फॉर्म किया, एकदम छोटा सा फॉर्म किया। अब यहाँ पर देखिए अगले कैंडलस्टिक पर क्या है, अब जो सेलर्स है वो आपको 830 के लेवल तक यहाँ पर हावी हो गए। मतलब जो पहले सेलर्स 840 के ऊपर थे, अब वो कहाँ तक आ गए, 830 के करीब आ गए। मतलब सेलर्स ने अपना रेंज जो पहले इतना छोटा सा था उस रेंज को इतना इंक्रीज कर लिया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा, सेलर्स का रेंज इंक्रीज हो रहा और बायर्स जो आपके 840 के लेवल तक थे वो कहाँ तक आ गए, सिमट के वो रह गए 830 के लेवल तक। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे सेलर्स धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे और बायर्स धीरे धीरे कमजोर हो रहे। पहला कैंडलस्टिक हमें क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है लेकिन सेलर्स भी एक्टिव है। दूसरा कैंडलस्टिक हमें क्या बता रहा कि सेलर्स धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है और बायर्स धीरे धीरे कमजोर हो रहे, क्योंकि बायर्स अपना रेंज सिमट रहे और सेलर्स अपना रेंज इंक्रीज कर रहा। अब यहाँ पे हमें क्या कुछ मिल रहा, ये दो कैंडलस्टिक दोनों में हमें रिजेक्शन फ्रॉम द टॉप एकदम क्लियर कट पता चल रहा है। अगर आप इस दो कैंडलस्टिक को देखें तो दोनों का कलर ग्रीन जरूर है, लेकिन ये हमें निगेटिव साइड की तरफ जाने के लिए हिंट कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम ग्रीन कैंडल भी है, हम उतनी आसानी से सेल साइड की तरफ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम एक और कैंडल वेट करेंगे कि वहाँ से क्या कुछ हमें हिंट मिलता है, या नहीं तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं। हमने देखा कि सेलर्स कहाँ पे हावी थे, 840 के ऊपर हावी थे। मतलब अगर 840 के ऊपर क्लोजिंग देता है, अगर ICICI बैंक 840 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बाई साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। यानी तो ये कैंडल जो लो बना है, मतलब हम 820 को मार्क कर लेते हैं और 820 के लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। मतलब ये दो कैंडलस्टिक को देख के हमने एक कंक्लूजन निकाला, और हमने इतना कंक्लूजन तो निकाल लिया कि यहाँ पे हमें बाई साइड की तरफ नहीं जाना है, यानी यहाँ पे हमें अप साइड की तरफ नहीं जाना। अप साइड की तरफ कब जाना, 840 के ऊपर निकलेगा तभी जाना, ठीक है। हमने
कैसे डिसाइड कर लिया? हमने कैंडल स्टिक को इंटरप्रेट किया, कैंडल स्टिक को समझा, इसको सीखा, तब जाके हमने ये सब इंटरप्रेट किया। अब यहाँ पे हम अगले कैंडल स्टिक पे आते हैं। अब देखिए अगला कैंडल स्टिक वापस से आपका ग्रीन बना, लेकिन यहाँ पे भी हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे भी पता चल रहा है कि बायर्स ने थोड़ा सा रेंज इंक्रीज जरूर किया, लेकिन सेलर्स अभी भी अच्छे खासे रेंज में, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था दो तीन दिन पहले, वहाँ से सेलर्स का रेंज इंक्रीज ही हुआ है। मतलब हमने जो अपना एंट्री एग्जिट पॉइंट सारा को डिसाइड किया था वो अभी भी मेरा एक्टिव है। हमने क्या डिसीजन लिया था, और इस कैंडलस्टिक में भी अगर आप देख ले तो ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन है, मतलब रिजेक्शन फ्रॉम द टॉप, ये तीनों कैंडलस्टिक दिखा रहा है। मतलब ये तीनों कैंडलस्टिक आपको चिक चिक कर बता रहा है, अगर आप इसको इंटरप्रेट कर पाते हैं तो यहाँ पे बाय साइड की तरफ नहीं जाना, आपको जाना भी है तो आप सेल साइड की तरफ जा सकते हो, या नहीं तो एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर निकलता है तब बाय साइड की तरफ जाओ। और ये कैंडल भी देखिए 840 के ऊपर तीनों कैंडल निकला है, लेकिन सेलर्स वहाँ पर इसको टिकने नहीं दिए, मार के नीचे की तरफ भगाए हैं। मतलब ऊपर सेलर्स का पूरा दबदबा है, सेलर्स ने अपना एरिया डिसाइड कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या डिसीजन लिया था कि 820 के नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाएंगे, और 840 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, बाय 840 के ऊपर, सेल 820 के नीचे। अब यहाँ पे देखिए अगला कैंडल कैसा फॉर्म होता है। अब देखिए मार्केट एक ही बार आराम से गिर गया, मतलब मार्केट ने आपको पहले ही यहाँ पे एकदम क्लियर बता दिया कि यहाँ पे आपको सेल साइड की तरफ जाना है। अब आपको वो फ़ोन करके तो नहीं बताएगा, ना ही व्हाट्सअप, ना ही टेलीग्राम, ना ही मेल करेगा, आपको चार्ट पे आना पड़ेगा, कैंडलस्टिक को रीड करना पड़ेगा, तभी आपको वो बता पाएगा। तो उसके भरोसे मत रहिए, चार्ट और कैंडलस्टिक को रीड करना सीखिए। अगर आप ये सीख जाते हैं तो देखिए यहाँ पर जो रिवर्सल हुआ है, जो रिवर्सल का हिंट दे रहा था, वो हमने यही तीन कैंडलस्टिक के जरिए फाइंड कर लिया, और ये तीनों कैंडलस्टिक ग्रीन जरूर है, लेकिन ये तीनों हमें बता रहा है कि यहाँ पे हमें बाय साइड की तरफ नहीं जाना। हमने सेफ्टी के लिए एक लेवल भी डिसाइड कर लिया कि इस लेवल के ऊपर सेलर्स हावी है, मतलब वहाँ पर अगर बायर्स हावी होते हैं तब बाय साइड की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ ही जाएंगे। और देखिए यहाँ पे अगर इस लेवल पे भी सेल करते हैं तो सिंगल कैंडलस्टिक हमें कितना पॉइंट दे दिया, लगभग आपका 20 पॉइंट दे दिया। उसके बाद मार्केट आपका देखिए क्या कुछ हुआ और नीचे की तरफ गिरा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे देखिए नीचे में अब आपको टेल दिख रहा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिजेक्शन फ्रॉम बॉटम। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझना, मार्केट के साइकोलॉजी को, मैंने आपको हमेशा से बोला है कि मार्केट आपको कभी ईजी मनी नहीं देगा, आसानी से पैसा बना के ले जाने घर नहीं देगा। अब यहाँ पर देखिए ये कैंडलस्टिक को देखिए, ये रेड कैंडलस्टिक किसी को भी दिखा लीजिए, इसके बाद क्या बोलेगा, सब लोग बोलेंगे कि इसके बाद सेल करो, मार्केट फॉलोअप गिरेगा, और मार्केट गिरा भी है, इसके बाद देखिए अच्छा खासा नीचे आया भी है, लेकिन नीचे से रिवर्सल भी दिखाया। अब ये रिवर्सल किसी भी कारण से हो सकता है। अब ऊपर कहाँ तक गया, देखिए ऊपर यहाँ तक गया, मतलब जो भी लोग ने अपना ऊपर स्टॉप लॉस रखा होगा उसको हिट कर दिया है। ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सबको पता है मार्केट नीचे गिरेगा, और मार्केट कभी आपको इजी मनी नहीं ले जाने देगा, वो रिटेल ट्रेडर को जाल में फंसाएगा, उनका स्टॉप लॉस हिट करवाएगा, तब मार्केट नीचे गिरेगा। अब यहाँ पे मार्केट स्लाइटली ऊपर गया, अब 800 के ऊपर भी देखिए यहाँ पे जो है वो बायर्स उतने स्ट्रांग नहीं है, बायर्स 800 के नीचे यहाँ पे स्ट्रांग दिख रहे हैं। ये कैंडलस्टिक के बेसिस पे थोड़ा सा मार्केट जो ट्रैप किया गया है, इन जिनको स्टॉप लॉस हिट करवाया गया, उसका गेम यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सही जगह पे रिवर्सल फाइंड करना, अगर आपने यहाँ पे रिवर्सल फाइंड कर लिया तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस इस कैंडलस्टिक के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि 840 के ऊपर बायर्स टिक नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम थोड़ा ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा लिए। यहाँ पे जनरल स्टॉप लॉस बनता है, लेकिन ये लेवल बहुत ऊपर था, इसलिए हमने मॉडिफाई करते हुए यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के बाद मार्केट नीचे गिरा, और किसी भी कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। और ये कैंडल फॉर्म होने के बाद स्टॉप लॉस हम मॉडिफाई करके यहाँ पे ले आए, मतलब बाइंग प्राइस से जस्ट ऊपर मेरा स्टॉप लॉस आ गया। अगर आपने इस लेवल के आसपास एंट्री लिया तो आप कुछ भी कर लो, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा, क्योंकि उतना लंबा स्टॉप लॉस आप रखोगे नहीं, इस लेवल के आसपास स्टॉप लॉस होगा, और स्टॉप लॉस ने हिट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो तो ट्रैप होने से नहीं बच सकते, स्टॉप लॉस आपका हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इसलिए अगर आप सही जगह पे एंट्री करते हो तो आपको दो तीन फायदा हो सकता है, एक्स्ट्रा मुझे 15-20 पॉइंट मिल गया और मेरा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। उसके बाद देखिए अगले दिन मार्केट क्या किया, आपका और ऊपर गया, यानी जिन लोगों का स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ होगा उनसे और ऊपर की तरफ निकला, और दो दिन बता दिया कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेने वाला है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह का गेम किया जा रहा, ये कैंडलस्टिक देख के लग रहा है कि सेलर्स हावी हैं, लेकिन ये दो कैंडलस्टिक देख के लग रहा है कि यहाँ से वापस से बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं,
मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अब इससे बचना है तो क्या करना होगा, वॉल्यूम पे गौर कीजिए। प्राइस ऊपर जा रहा लेकिन वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा साथ कौन देता, वॉल्यूम मुझे क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। अगर प्राइस ऊपर जाना रहता तो वॉल्यूम भी ऊपर जाता, लेकिन वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रहा, मतलब बता रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और यहाँ पे हमने गड़बड़ को फाइंड कर लिया। अब देखिए अगला कैंडल क्या हुआ, प्राइस आपका 800 के करीब आ गया, यानी हमने 820 पे सेल किया था, 20 पॉइंट मुझे तो पहले ही मिल गया था, लेकिन अभी भी उतना ही पॉइंट दे रहा है। मतलब यहाँ पे आपके पेशेंस को भी चेक किया जा रहा है कि आप कितने पेशेंस हैं मार्केट में। अगर आपने पेशेंस लूज कर दिया तो आप यहाँ पे 20 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। लेकिन जैसा कुछ कंडीशन बन रहा है, क्योंकि वॉल्यूम में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा, मतलब वॉल्यूम देख के लग रहा है कि प्राइस और नीचे की तरफ जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या कुछ हो रहा है। अब देखिए फिर वापस से मार्केट गिरा है। अब यहाँ पे लगातार 3 दिन क्या किया, मार्केट आपको भ्रम में डाला, मार्केट आपको कंफ्यूज किया। और यहाँ पे गारंटी के साथ बोल सकता हूँ बहुत सारे रिटेल ट्रेडर कंफ्यूज हुए होंगे, किन्हीं का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा और बहुत सारे ने प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकले होंगे। और ये कब हो रहा, देखिए अक्टूबर का मंथ यहाँ पे ख़त्म हुआ, मतलब यहाँ पे आपका मंथली एक्सपायरी भी है, तो फ्यूचर वाला भी यहाँ पे सोच रहे होंगे प्रॉफिट बुक करें, लेकिन उनको भी यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट बुक करने नहीं दिया। उसके बाद अगले नवंबर वाले एक्सपायरी में मार्केट कुछ दिन यहाँ भी होल्ड किया, यानी जिन लोगों के पास 2 दिन का पेशेंस होगा ठीक है, नहीं तो उसके बाद तीसरे दिन मार्केट गिरा है। तो इस तरीके से मार्केट आपका सारा कुछ चेक करता है, कभी भी आपको ईजी मनी नहीं ले जाने देगा। अगर आप मार्केट को देखो तो कितना कुछ आपको चेक कर रहा है। फिर यहाँ पे मार्केट और नीचे की तरफ गिरते गया, देख सकते हैं मार्केट लगातार गिरते जा रहा है, यानी हम 820 के लेवल से आ गए 780, यानी 40 पॉइंट का मतलब है कि 5% ज़्यादा का रिटर्न हमें मिल गया है, वो भी आपका लगभग 5 से 10 दिनों में, 1 महीने से भी कम टाइम फ्रेम में मुझे 5% ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा, और वही छोटी बात नहीं होती है। इसके बाद आगे क्या कुछ हुआ देख लीजिए, और आपका नीचे की तरफ निकला मार्केट, अब 770 पे आ गया, यानी मुझे लगभग 20 पॉइंट इधर 30 पॉइंट इधर 50 पॉइंट मिल गया। फिर मार्केट रुक रहा है, मार्केट कभी भी सिंगल डायरेक्शन नहीं जाएगा, देखिए 760 के लेवल पे आ गया, यानी 40 और 20 मुझे 60 पॉइंट के करीब यहाँ पे ईजिली मिलता हुआ दिख रहा। टाइम फ्रेम देख सकते हैं 25 से हमने स्टार्ट किया, 17 हो रहा, मतलब आप मान के चल सकते हैं कि 20 दिन के टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पे लगभग 8 से 10% करीब रिटर्न ईजिली मिलता हुआ दिखा है। तो इस तरीके से आप रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हो मल्टीपल कैंडलस्टिक के जरिए। देख सकते हो ये 3 कैंडलस्टिक हमें एकदम क्लियर बता रहा है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, आगे आपका रिवर्सल आने वाला, रिवर्सल आ सकता है। अगर ये नहीं बता रहा इतना तो मुझे बता रहा है कि यहाँ पे हमें बाय साइड की तरफ नहीं जाना, ट्रैप में नहीं फंसना, और बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप में भी फंसे होंगे ये तो श्योर है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कैंडलस्टिक के जरिए रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वहाँ पर आइडेंटिफाई करना ईजी है। तो यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो का लेंथ लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, इसलिए हम भी यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वीडियो का लेंथ भी लंबा कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि सिंगल कैंडलस्टिक के जरिए भी रिवर्सल फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे वही चीज़ मुझे मिला, देख सकते हैं ये सिंगल कैंडलस्टिक आपको रिवर्सल का हिंट दे रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हम मल्टीपल फाइंड करेंगे, और मल्टीपल कैंडलस्टिक देखिए एक और जगह पे आया है जहाँ पे हमें रिवर्सल का हिंट मिल रहा है। ये जो आपका 4-5 कैंडलस्टिक दिख रहा है, ये चारों पांचों कैंडलस्टिक में क्या दिख रहा है, आपका पहला दो छोड़ दीजिए, ये दो स्ट्रांग ग्रीन कैंडल है, लास्ट 3 देख लीजिए, रिजेक्शन ऑफ प्राइस फ्रॉम द टॉप रेड कैंडल है, इसमें भी रिजेक्शन ऑफ प्राइस फ्रॉम द टॉप, रिजेक्शन ऑफ प्राइस फ्रॉम द टॉप। तीसरा कैंडल पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त रिजेक्शन ऑफ प्राइस फ्रॉम द टॉप देखने को मिला है। और जो मैंने सिंगल कैंडलस्टिक वाले वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, आपको अगर इस तरह का कैंडलस्टिक देखने को मिल जाए तो ये आपका सिंगल कैंडलस्टिक होता है जो कि आपको रिवर्सल का हिंट देता है, इसके बाद आपका मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये कैंडलस्टिक कहाँ फॉर्म होना चाहिए, ये कैंडलस्टिक रेजिस्टेंस लेवल के पास फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, 820 भी एक रेजिस्टेंस लेवल था और 800 भी एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसके बाद 840 भी एक रेजिस्टेंस लेवल था, मतलब एक रेजिस्टेंस लेवल के पास इस तरह कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहा, और ये आपका ग्रुप ऑफ कैंडलस्टिक है। तो यहाँ पे आप पांचों कैंडल को एक साथ ब्लेंड भी करोगे तो आपको कैसा कैंडल फॉर्म होगा, कैंडल ब्लेंडिंग के ऊपर हमने ढेर सारे वीडियो बना रखा है, आप उसके जरिए फाइंड कर सकते हैं, आपको इस तरह कैंडल फॉर्म होगा, देख सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये आपको इस तरह का कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होगा।
और मैंने आपको सिंगल कैंडलस्टिक वाला वीडियो बताया था, इस तरह कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन अगर रेसिस्टेंस के पास हो रहा हो तो समझ आए क्या आएगा, रिवर्सल आएगा, और उसके बाद देखिए प्राइस आपका नीचे की तरफ गिरा है। मतलब ये लास्ट वाला कैंडलस्टिक हमें क्लियर कट बता दिया कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, और उससे पहले भी हमें हिंट और इंडिकेशंस मिल रहा था। अगर आप इसको रीड नहीं कर पाओगे तो इससे सिंपल क्या तरीका बताएगा, इससे सिंपल कोई तरीका नहीं हो सकता है कि आपको रिवर्सल को हिंट कर देगा। अब देखिए उसके बाद मार्केट आपका और नीचे की तरफ गिरा, मतलब 820 के लेवल से यहाँ से और आपका ऑल द वे ये आपका 740 के लेवल तक गया, मतलब यहाँ पे भी आपको 60 पॉइंट मिल गया। पहले रिवर्सल में भी हमने देखा था कि मार्केट हमें सेम 60 पॉइंट का लेवल दिया था, और यहाँ पे भी वही चीज़ हमें देखने को मिला है। तो बार बार रिवर्सल आने से पहले आपको इस तरह का हिंट और इंडिकेशंस मिल जाता है। सिमिलरली आपको नीचे से भी मिलता हुआ दिखेगा कई बार, आप किसी भी कैंडलस्टिक में देख सकते हो। यहाँ पे भी देखिए आपको ये रेड कैंडल बना, लेकिन अगला रिजेक्शन ऑफ प्राइस फ्रॉम द बॉटम, और इस तरह सॉलिड ग्रीन कैंडल बना। अगर इस तरह का सॉलिड ग्रीन कैंडल बन रहा हो तो ये सिंगल कैंडलस्टिक भी बता देगा कि नीचे से प्राइस का रिवर्सल आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, और बायर्स सिर्फ यहीं पे एक्टिव नहीं है, जहाँ तक प्राइस ऊपर गया है, मतलब ये आपका लगभग 840 के लेवल से 860 तक, यानी 20 पॉइंट ऊपर के लेवल तक बायर्स एक्टिव है। और जब इस तरह से बायर्स मार्केट में एक्टिव रहते हैं तो प्राइस में रिवर्सल आता ही आता है। तो इस तरीके से आप दो कैंडलस्टिक या फिर सिंगल कैंडलस्टिक के जरिए भी रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल लेना चाहेंगे, आपको मैं अदानी पोर्ट्स का एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, देख सकते हो ये आपका दो कैंडलस्टिक मिलके बता रहा है कि यहाँ पे रिवर्सल आने वाला है। दोनों कैंडल को ज्वाइन करो तो आपको यहाँ पे कैसा फॉर्म होगा, आपका ओपनिंग दिया है यहाँ पे और क्लोजिंग आपको दिया है इसके करीब, यानी ये आपका बॉडी हो गया, ऊपर में ये हो गया और नीचे में आपको छोटा सा टेल दिखेगा, मतलब वापस से आपको इस तरह कैंडलस्टिक दिख गया जिसका जिक्र हमने सिंगल कैंडलस्टिक वाले वीडियो में किया था, और ये हमें रिवर्सल का हिंट और इंडिकेशंस दे रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं नीचे में, यहाँ पे मल्टीपल कैंडल है और उसके बाद प्राइस आपका धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा, लेकिन प्राइस नीचे की तरफ आने के साथ हर एक लेवल पे हमें रिजेक्शन फ्रॉम द बॉटम दिख रहा, मतलब बायर्स धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिला, बायसर की तरफ जाना स्टार्ट कर देना, और जैसे ही रिवर्सल मिला उसके बाद हम वेट करेंगे, रेड कैंडल मिला तो हम सेल साइड की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप रिवर्सल को आइडेंटिफाई करके उसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ट्रेड नहीं कर पा रहे एटलीस्ट आपको ये ट्रैप होने से बचा सकता, यानी इस लेवल के बाद आपको यहाँ तो वार्न कर देगा कि यहाँ पर आपको एटलीस्ट बाई नहीं करना। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इससे भी हिंट मिल जाएगा कि यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना। हम अदानी पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है 865 के लेवल पे, तो ये कैंडलस्टिक फॉर्म होने के बाद क्या आप इन्वेस्टमेंट करोगे, नहीं करोगे। जो आप एंट्री ले सकते थे 865 के लेवल पे, वो एंट्री आप कहाँ लोगे, प्राइस नीचे गिरेगा यहाँ पे आपको मिलेगा, मतलब वो एंट्री आप 820 के लेवल पे लोगे, मतलब यहाँ पे मुझे 40 पॉइंट ऑलरेडी ये बना के दे दिया नीचे के प्राइस पे, यानी परसेंटेज वाइज देखो तो लगभग आपको 5% का ये सेविंग करके दे दिया, और वापस से मार्केट ऊपर गया है, मतलब आपको ऊपर गया है तो 5% मिला, और जो 5% का नुकसान हो सकता था वो नहीं हुआ। तो ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट में भी काम करता है, और 5% छोटा अमाउंट नहीं होता। अगर 5% आपको शॉर्ट टर्म में मिल जाता है तो क्या हर्ज है, और पैसा सबको प्यारा होता है, इसलिए आपको ये जो तरीका है इसके जरिए आप लॉन्ग टर्म में भी अपना एंट्री पॉइंट फाइंड करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ट्रेडिंग में तो काफ़ी आसानी से कर ही सकते हैं। इस तरीके से आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, हम यहाँ पे बैंक निफ्टी पे आते हैं, और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये सिर्फ स्टॉक्स में नहीं इंडाइसेस में भी बनता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं इन दोनों कैंडल को ज्वाइन करो, यहाँ दोनों कैंडल को समझो। पहला कैंडल क्या दिखा रहा है कि रिजेक्शन ऑफ प्राइस फ्रॉम द बॉटम, मतलब सेलर्स हावी हैं लेकिन एक पार्टिकुलर लेवल के बाद बायर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। और अगला कैंडल आपको वापस से ग्रीन बन गया विथ ग्रीन बॉडी, इस तरह का कैंडल बना, ये दिखा दिया कि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऑफ प्राइस फ्रॉम द बॉटम है। और दोनों कैंडल को एक साथ ज्वाइन करो तो आपको कैसा कैंडल बनेगा, देखिए प्राइस ओपनिंग यहाँ पे हुआ और क्लोजिंग जस्ट यहाँ पे दिया है, ऊपर में छोटा सा बॉडी, नीचे में लंबा टेल। ये सिंगल कैंडलस्टिक है जो कि हमें रिवर्सल का इंडिकेशन दे रहा, मतलब बंद सिंगल कैंडलस्टिक रहा लेकिन ये अलग अलग रूप में आ रहा है, आपको एक जैसा रूप नहीं मिलेगा, कहीं पे भी रिपीटेशन ऑफ पैटर्न नहीं होता, आपको अलग अलग चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। उन चैलेंजेस से आपको वापस से जो हम बैक टू द बेसिक आते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पे आते हैं, और उसके बाद देखिए ये रिवर्सल दिखाया है। तो इस तरीके से आप अलग अलग पैटर्न को, डिफरेंट पैटर्न को आइडेंटिफाई करके रिवर्सल को समझ सकते हैं।
सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो का लेंथ लंबा जरूर हुआ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर आपका आंसर किया जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एनकरेज कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो और भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट को लेकर। जय हिंद।